वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन, दिस इज़ गौरी। सो आज से मैं आप सभी को कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो है जो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है वो मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ। सो ये मेरा लेक्चर वन है एंड इन टूडेज लेक्चर में आप सभी को मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च MCQs की मदद से सिखाने वाली हूँ। सो इस लेक्चर को देखने के बाद आपकी जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च वो क्लियर हो जाएगी एंड एज वेल आपको आइडिया मिल जाएगी कि एग्जैक्टली मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च के ऊपर आपको किस प्रकार के MCQs क्रेट एग्जाम में पूछे जाएंगे ओके दिस ईयर। फाइन, सो स्टूडेंट्स इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है बिकॉज कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड दैट्स वाई इस कोर्स की मदद से आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करके क्रेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो ओके। सो इस कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों भी आते हैं। यू विल गेट फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट। आपको इसमें 1500 से ज़्यादा MCQs रिविजन PDF भी मिलता है और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है ओके। सो स्टूडेंट्स ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट्स अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs। सो ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं एंड इस रिविजन PDF की मदद से आप सभी लोग अच्छे से सारे टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हो इंक्लूडिंग यहाँ पे आपको 80% MCQs मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ क्रेट एग्जाम ओके। सो स्टूडेंट्स अगर आपको कोर्स को परचेस करना है देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़। तो काफ़ी कम है स्टूडेंट्स एंड दैट्स वाई जब भी आप कोर्स को परचेस करते हो देन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% गारंटी देती है कि आप सभी लोग गारंटीड पासिंग मार्क्स तो इस एग्जामिनेशन में पा ही लेते हो ओके। एंड एज वेल ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को गाइडेंस प्रोवाइड करती है एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ योर PhD एंट्रेंस यू नो प्रोग्राम PhD एंट्रेंस एडमिशन एवरीथिंग ओके। सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन दैट इज क्वेश्चन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग रिसर्च ओके। सो हमें रिसर्च करना है एंड रिसर्च करने के लिए हमें इनिशियली किस चीज़ की रिक्वायरमेंट लगती है जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सो डेवलपिंग अ रिसर्च डिज़ाइन यानी कि रिसर्च डिज़ाइन को डेवलप करना, फॉर्म्यूलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन यानी कि रिसर्च क्वेश्चन को बनाना, डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसीजर यानी कि डिसाइड करना कि किस प्रकार का डेटा एनालिसिस प्रोसीजर मुझे यूज़ करना है, देन फॉर्म्यूलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस यानी कि रिसर्च हाइपोथेसिस को बनाना ओके। सो स्टूडेंट्स बेसिकली जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं सो हम लोग रिसर्च करते हैं बिकॉज हमें हमारे क्वेश्चन का सल्यूशन चाहिए ओके। सो सल्यूशन चाहिए एंड उसके लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। सो सबसे पहले हमें रिसर्च क्वेश्चन की सख्त ज़रूरत होती है। सो विदाउट रिसर्च क्वेश्चन हम लोग सल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे एंड दैट्स वाई हम लोग रिसर्च भी नहीं करेंगे। सो जो इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है रिसर्च परस्यू करने के लिए वो ये होती है कि सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन को ढूंढो, उसको बनाओ एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2, दैट इज फॉर्म्यूलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन यानी कि रिसर्च क्वेश्चन को बनाना ओके। व्हेन प्लानिंग टू डू अ सोशल रिसर्च इट इज बेटर टू, जब भी हमें सोशल रिसर्च के लिए प्लानिंग करना है ओके देन उससे पहले हमें क्या करना चाहिए ओके। सोशल रिसर्च का मतलब होता है कि सोसाइटी के बारे में रिसर्च करना, मतलब ह्यूमन सोसाइटी में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, सोसाइटी का कल्चर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना यानी कि सोशल रिसर्च करना। सो जब भी हम लोग सोशल रिसर्च करने के लिए प्लानिंग करते हैं देन उसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और व्हाट इज़ वी शुड डू ओके।
अप्रोच द टॉपिक विथ एन ओपन माइंड, यानी खुले दिमाग के साथ टॉपिक को अप्रोच करना, यानी कि टॉपिक को यू कैन से कि टॉपिक को हासिल करना, टॉपिक के बारे में अगर हमें कोई भी जानकारी चाहिए देन उसके लिए मेथड्स का इस्तेमाल करना, एंड वो भी हमें खुले दिमाग के साथ करना चाहिए. देन डू अ पायलट स्टडी बिफोर गेटिंग स्टक इन टू इट, यानी कि सबसे पहले पायलट स्टडी करना. पायलट स्टडी का मतलब होता है कि स्मॉल स्केल स्टडी जो कि बहुत ही कम लोगों के ऊपर किया जाता है, ताकि हमें पता चल सके कि आगे का रिसर्च कितना इजी होने वाला है हम सभी के लिए. बी फैमिलियर विथ लिटरेचर ऑन द टॉपिक, यानी कि टॉपिक के बारे में जितनी भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके साथ फैमिलियर होना, उसको समझने की कोशिश करना. फॉरगेट अबाउट थियरी बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल. सो थियरी को भूल जाना बिकॉज ये चीज़ मतलब ये रिसर्च बहुत ही प्रैक्टिकल रिसर्च है. सो स्टूडेंट्स, सोशल रिसर्च, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि हम लोग ह्यूमन कैसे इंटरैक्ट करते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी का कल्चर क्या है, मतलब एवरीथिंग अबाउट सोसाइटी जब भी हम लोग स्टडी करते हैं उसे सोशल रिसर्च कहा जाता है. एंड दैट्स वाई सोशल रिसर्च ये बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च होता है. क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में डेटा नहीं होता है. सो वॉट एवर डेटा यहाँ पे हमारे पास होता है वो क्वालिटेटिव फॉर्मेट में होता है, यानी कि वर्ड या फिर पिक्चर फॉर्मेट में होता है. ओके, एंड दैट्स वाई सबसे पहले हमें खुले दिमाग के साथ टॉपिक को अप्रोच करना चाहिए. दिस इज द वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट जब भी हम लोग सोशल रिसर्च के लिए प्लानिंग करते हैं. एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन. एंड देखो, यहाँ पे थियोरी को तो हम लोग फॉरगेट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ क्वालिटेटिव रिसर्च, एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में थियोरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, थियोरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. एंड दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग, ये एलिमिनेट हो गया. एज वेल यस, लिटरेचर के साथ हम लोग फैमिलियर हो ही सकते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ओपन माइंड के साथ टॉपिक को अप्रोच करो. एंड पायलट स्टडी ये जो है ये बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ किया जाता है, एंड कभी कभार क्वालिटेटिव रिसर्च में ही यूज़ किया जाता है. सो पायलट स्टडी ये लॉन्जिट्यूडिनल जो स्टडी होता है उसके पहले किया जाता है. सो ये सब रिसर्च टाइप्स हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ रिसर्च, सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रिसर्च का मेन पर्पज है. सो टू क्रिएट नॉलेज, यानी कि नॉलेज को क्रिएट करना. टू कंस्ट्रक्ट रियालिटी, यानी कि रियालिटी को कंस्ट्रक्ट करना, उसको बिल्डअप करना. टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पास उनको सॉल्व करना, या फिर ऑल ऑफ द अबव. देखो यहाँ पे मेन पर्पस के बारे में पूछा है, यानी कि इनमें से एक ही पर्पस होगा. सो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जो है ये यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज मेन पर्पस के बारे में पूछा है. बिकॉज अगर यहाँ पे सिर्फ पर्पस ऑफ रिसर्च के बारे में पूछा होता देन यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आ जाता, बट हियर ओनली मेन के बारे में पूछा है. सो हमें सिर्फ मेन पर्पज ही बताना है. सो द मेन पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू कंस्ट्रक्ट रियालिटी बिकॉज आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई. सो बेसिकली हम लोग रिसर्च करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सके. सो जब भी हमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलते हैं सो उसमें काफ़ी सारे प्रोसीजर हम लोग करते हैं जिसे साइंटिफिक मेथड कहा जाता है. सो साइंटिफिक मेथड में हाइपोथेसिस नाम का एक कॉन्सेप्ट है जिसे प्रेडिक्शन कहा जाता है, यानी कि यू नो प्रेडिक्शन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द रिसर्च. सो हाइपोथेसिस को जब भी हम लोग टेस्ट करते हैं देन उसमें काफ़ी सारे एविडेंसेस होते हैं, काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, हम लोग काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स का भी यूज़ करते हैं, एंड आफ्टर ऑल एट द एंड हमें आंसर मिलता है. सो बेस्ड अपॉन द आंसर हम लोग एक प्रकार की रियालिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब एक प्रकार का जो फैक्ट होता है वो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो दिस फैक्ट इज नथिंग बट जो थियरी के आधार पर होता है या फिर थियरी के फॉर्मेट में भी होता है. एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सेकेंड. एंड नॉलेज को क्रिएट करना एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ये दोनों भी पर्पजेस बेसिक रिसर्च
टाइप्स के हैं, मतलब यू नो नॉलेज को क्रिएट करना, दिस इज बेसिकली द पर्पज ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. ये एक रिसर्च का टाइप है, ये हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे. एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, दिस इज द पर्पज ऑफ अप्लाइड रिसर्च. ओके, ये भी रिसर्च का टाइप है, ये भी हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे. एंड दैट्स व्हाट टू कंस्ट्रक्ट रियलिटी इज द मेन पर्पज ऑफ ऑल द रिसर्च टाइप्स. ओके, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सेकंड. रिसर्च इज, नाउ रिसर्च क्या है? सर्चिंग अगेन एंड अगेन, यानी कि अगेन एंड अगेन सर्च करना, बार बार सर्च करना. फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन ढूंढ निकालना. वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम. सो साइंटिफिक तरीके से काम करना ताकि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का जो ट्रूथ है उसको यू नो ढूंढे. एंड नन ऑफ दी अबव. सो स्टूडेंट्स, रिसर्च ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होती है, बिकॉज अगर कोई भी सर्च अगर सिस्टमैटिक नहीं है, ओके, देन ऑब्वियसली हम उसे सिर्फ सर्च ही बोलेंगे. बट अगर कोई भी सर्च सिस्टमैटिक है एंड जहाँ पे हम लोग साइंटिफिक चीज़ों का आधार लेते हैं, उसे रिसर्च कहा जाता है. ओके, एंड दैट्स वाई बार बार सिर्फ सर्च करना ये कोई रिसर्च नहीं होता है, बिकॉज इसमें कोई भी साइंटिफिक मेथड नहीं है, इसमें कोई भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है. सो ये तो एलिमिनेट हो गया. एंड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन ढूंढ निकालना इज द रिसर्च. स्टूडेंट्स, इसे रिसर्च कहा जाता है, बिकॉज किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो एंड उसका सोल्यूशन अगर हमें चाहिए, देन आफ्टर दैट ओनली हम लोग रिसर्च के बारे में सोचते हैं. ओके, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सेकेंड. एंड देखो, हमेशा हमें प्रॉब्लम का जो ट्रूथ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रिसर्च में मिलती है, ऐसा नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कभी कभी फॉल्स भी मिलता है अगर हमारा हाइपोथेसिस गलत हो. ओके, सो अप टू दिस पॉइंट वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे, अप टू दिस पॉइंट रिसर्च है. ओके, बट आगे का जो सेंटेंस है दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल. ओके, बिकॉज हमेशा हमें प्रॉब्लम का ट्रूथ नहीं मिलता है, हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए. वी डोंट वॉन्ट द ट्रूथ ऑफ द प्रॉब्लम. ऑल ऑफ यू गेटिंग स्टूडेंट्स? एंड ये आप सभी लोग ये सब्सिक्वेंटली समझ जाओगे जैसे आप रिसर्च प्रोसेस के बारे में यू नो सीखोगे तब. ओके, एंड दैट्स वाई ये भी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है. एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, दैट इज फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम. ओके, द बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च इज. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें रिसर्च का एकदम सही मीनिंग है, बेस्ट मीनिंग है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. ओके, साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करना, यानी कि साइंटिफिक मेथड को यूज करना ताकि हम लोग नॉलेज को क्रिएट कर सके एंड नॉलेज को अप्लाई भी कर सके. अडॉप्शन ऑफ क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग फॉर सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, यानी कि क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग का इस्तेमाल करना ताकि हम लोग प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को ढूंढ सके. अराइविंग एट जनरलाइजेशंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा, मतलब जो ऑब्जर्व डेटा है, मतलब जो डेटा हमने देखा है उस डेटा के आधार पर सामान्यीकरण करना. सर्च फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के जितने भी सारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स है उनको सर्च करना. ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको तो समझ में आ गया होगा कि अभी रिसर्च का मतलब क्या है. सो बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि रिसर्च में हम लोग साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं. ओके, एंड दैट्स वाई उस पर्टिकुलर सर्च को रिसर्च कहा जाता है, बिकॉज हम लोग साइंस का आधार लेते हैं. ओके, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज वन, कि साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके नॉलेज को क्रिएट करना एंड जो नॉलेज पहले से ही हमारे पास है उसको अप्लाई करना. ओके, बिकॉज रिसर्च ये जो है ये बेसिकली एविडेंस के आधार पर होता है. ऐसा है नहीं कि हम क्या सोचते हैं, हमारा इंट्यूशन क्या है उसके ऊपर रिसर्च यू नो डिपेंड नहीं होता है. रिसर्च को एविडेंस चाहिए, उसको ऑब्जर्वेशंस चाहिए, उसको टेस्ट चाहिए, एंड ये सब चीज़ें हमें साइंटिफिक मेथड से मिलती है. ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इन दो ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जाते हैं. सो सेकेंड ऑप्शन में सिर्फ क्या बोला है कि आप क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग का यूज़ करते. सो सिर्फ थिंकिंग करना ये रिसर्च नहीं है, बेसिकली साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके उसको
अप्लाई करना, दिस इज बेसिकली द रिसर्च. ओके, एंड दैट्स वेयर द करेक्ट आंसर इज वन, दैट इज अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. ओके, वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ साइंस इज, सो इनमें से कौन सा साइंस का मेन एम है? ओके, सो वेदर इट इज परस्यूएशन, सो बेसिकली स्टूडेंट्स परस्यूएशन का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश करना, प्रेडिक्शन यानी कि प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पोस्ट डिक्शन यानी कि जो फैक्ट्स पहले से ही हो चुके हैं उसके बारे में सोचना, या फिर जो फैक्ट्स हो चुके हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. असर्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें फैक्ट्स बताए गए हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली साइंस का मेन एम क्या होता है कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना. ओके, बिकॉज अगर आप प्रेडिक्शन नहीं करोगे देन ऑब्वियसली आप उस प्रेडिक्शन को टेस्ट नहीं करोगे, एंड उसको टेस्ट करने के बाद आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, विच इज नथिंग बट द रिसर्च, विच इज नथिंग बट द साइंस. ओके, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सेकेंड, दैट इज प्रेडिक्शन. सो किसी भी प्रकार का साइंस हो, साइंस में किसी भी प्रकार का डिसिप्लिन हो, उसका मेन एम ये होता है कि प्रेडिक्शन करो, प्रेडिक्ट करो. ओके, द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड डूइंग रिसर्च इज टू, सो रिसर्च करने से पहले उसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट क्या होती है, बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन विच बिलोंग्स टू द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च. मतलब रिसर्च क्यों इम्पॉर्टेंट है, रिसर्च करने के लिए उसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट क्या है. स्टडी एंड एक्सप्लोर नॉलेज, यानी कि नॉलेज को स्टडी करना एंड उसको एक्सप्लोर करना. ओके, देन स्टार्ट विथ अ प्री डिफाइंड एंड क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स. ओके, यानी कि यू नो जो ऑब्जेक्टिव्स पहले से ही आपने प्री डिफाइन किए हैं, आपके पास पहले से ही क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स है, उससे स्टार्ट करना. गेट न्यू आइडियाज, यानी कि नए आइडियाज को देखना, उसको मतलब यू नो जो जो भी कुछ नए आइडियाज है उसको हासिल करना. डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि क्लियर ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, उसका डेफिनेशन बताना, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स देखना कि क्या क्या क्लियर ऑब्जेक्टिव्स है, एंड ऑल दी अबव. सो बेसिकली यहाँ पे आपको रिसर्च के यू नो पीछे का मेन कॉन्सेप्ट पूछा है. ओके, एंड दैट्स वाई देखो स्टार्ट विथ अ प्री डिफाइंड एंड क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स, ये बेसिकली एक प्रोसीजर है, और यू कैन से कि ये एक स्टेप है जो रिसर्च में हम लोग करते हैं. सो यानी कि प्री डिफाइंड एंड क्लियर कट ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करना, ये एक स्टेप है रिसर्च की. सो ये कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, एंड दैट्स वाई दिस गेट एलिमिनेटेड. एंड एज वेल क्लियर ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना इज ऑल्सो अ रिसर्च प्रोसेस, मतलब रिसर्च प्रोसेस का ये एक स्टेप है. सो ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. सो वी हैव टू चूज फ्रॉम दीज टू ऑप्शंस, स्टडी एंड एक्सप्लोर नॉलेज एंड गेट न्यू आइडियाज. सो बेसिकली नए आइडियाज को हासिल करना, ये मेन कॉन्सेप्ट होता है रिसर्च का. ओके, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज थ्री. सो नॉलेज को स्टडी करना एंड एक्सप्लोर करना, दिस इज वन ऑफ द पर्पज ऑफ डूइंग रिसर्च. बट रिसर्च के बिहाइंड जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि गेट न्यू आइडियाज, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज थ्री. Which one of the following statements is not correct? So, इनमें से कौन सा statement ऐसा है जो सही नहीं है, is not correct? Any person can do research, यानी कि कोई भी व्यक्ति शोध कर सकता है. Research may be without a hypothesis, यानी कि research ये hypothesis, यानी कि prediction के बिना भी हो सकता है. Research requires library facilities, यानी कि research करने के लिए library facilities की requirement है. रिसर्च इज नॉट ऑलवेज सिस्टमैटिक, मतलब रिसर्च ये हमेशा सिस्टमैटिक नहीं होता है. सो ऑब्वियसली इनमें से जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही नहीं है, बिकॉज रिसर्च ये हमेशा सिस्टमैटिक होता है, एंड वो सिस्टमैटिक है एंड दैट्स वाई हम उसे रिसर्च कह के बुलाते हैं. ओके, सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, दैट इट इज ऑलवेज सिस्टमैटिक, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फोर. एंड देखो कोई भी इंसान रिसर्च कर सकता है. आई नो कि उस इंसान के पास कुछ यू नो एबिलिटीज क्वालिटीज होनी चाहिए, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कोई भी पर्सन रिसर्च कर सकता है. अगर कोई भी पर्सन के पास क्वेश्चन है, उसके पास रिसर्च प्रॉब्लम है,
देन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए कोई भी आदमी रिसर्च कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं कि इसको ही करना चाहिए उसको ही करना चाहिए. ओके एंड रिसर्च ये हाइपोथेसिस के बिना भी हो सकता है. आई नो हाइपोथेसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन रिसर्च, बट स्टिल कई रिसर्च टाइप्स ऐसे हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. इसमें हम लोग सिर्फ फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये फैक्ट्स कैसे हुआ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. दैट्स व्हाई ये भी स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है एंड थर्ड स्टेटमेंट तो है ही सही. बिकॉज किसी भी प्रकार का रिसर्च करने के लिए हमें काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है. ओके एंड दैट्स व्हाई ये भी सही है. सो द करेक्ट आंसर इज 4. डैश हैज एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ थिंकिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसने थिंकिंग की जो ग्रोथ होती है एंड जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है उनकी जो डेवलपमेंट होती है इनके बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप बनाया है. ओके सो बेसिकली स्टूडेंट्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड उसकी जो डेवलपमेंट होती है एंड जो हमारे थिंकिंग लेवल की जो ग्रोथ होती है इनके बीच में एक रिलेशनशिप है ज़रूर, बट ये रिलेशनशिप इनमें से कौन से ऑप्शन ने इस्टैब्लिश किया है. सो वेदर इट इज़ रिसर्च, टेस्ट, इक्वेशन, डेमॉन्स्ट्रेशन. सो बेसिकली स्टूडेंट्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली हैं क्या. मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स यानी कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स विद इन द मैथमेटिक्स फील्ड जो हम लोग बचपन से अभी तक सीखते हुए आए हैं, जैसे कि हमने काफ़ी सारे सबसे पहले न्यूमेरिकल सीखे, देन काफ़ी सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स सीखे जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, देन जीरो की कॉन्सेप्ट सीखी, देन एलसीएम क्या है, लाइक दैट. सो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है जो मैथमेटिक्स में आते हैं वो हमने सीखे. सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि जब हम सभी लोग एलिमेंटरी स्कूल में थे तब हमारी जैसी थिंकिंग पावर थी. ओके सो अकॉर्डिंगली हमें उतने ही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे एंड जैसे ही हम लोग एलिमेंटरी स्कूल से लेकर हायर स्कूल में आ गए देन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो है वो काफ़ी डेवलप हो गई एंड अकॉर्डिंगली हमारी जो थिंकिंग लेवल है वो भी डेवलप हो गई एंड अंटिल नाउ जैसी हमारी थिंकिंग पावर है वैसे ही हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी मैच्योर है, राइट. एंड दैट्स वाई इन दोनों का भी जो रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप रिसर्च ने इस्टैब्लिश किया. बिकॉज रिसर्च से ही हमें समझ में आया कि हमारे थिंकिंग पावर जितनी है उतने ही हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी मैच्योर है. ओके एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज 1 हियर, रिसर्च. एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो सबसे यू नो करेक्ट आंसर यही हो सकता है रिसर्च, बिकॉज टेस्ट्स की वजह से तो हम लोग ये रिलेशनशिप बना नहीं पाएंगे. एज वेल इक्वेशन ये एक बेसिकली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है, टेस्ट भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है एंड डेमॉन्स्ट्रेशन भी है. सो ये तीनों तो ऑप्शंस वैसे भी एलिमिनेट ही हो जाते. दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज रिसर्च. ओके वॉट इज द एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च. देखो एजुकेशनल रिसर्च का एम क्या है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स रिसर्च के काफ़ी सारे टाइप्स है जो कि हम लोग आगे के वीडियोज में देखेंगे. सो जैसे कि यहाँ पे एजुकेशनल रिसर्च है यानी कि इसका जो एम है वो भी एजुकेशन रिगार्डिंग ही होगा. ओके सो लेट अस सी द ऑप्शंस. आइडेंटिफाइंग मेजर प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी सॉल्व्ड, यानी कि मेजर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है. देखो यहाँ पे कोई भी एजुकेशन रिगार्डिंग थिंग नहीं है. सो ये पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. सर्चिंग फॉर द न्यू फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. मतलब एजुकेशन की जो प्रोसेस है ओके उस प्रोसेस में जितने भी सारे नए फैक्ट्स है जितने भी सारे नए प्रिंसिपल्स है उनको सर्च करना. सो देखो यहाँ पे एजुकेशन रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट है. सो ये आपका आंसर आ सकता है. आइडेंटिफाइंग द एम्स ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशन के एम्स को आइडेंटिफाई करना. अगेन दिस ऑप्शन इज रिलेवेंट टू एजुकेशन. सो ये भी आ सकता है आपका आंसर. आइडेंटिफाइंग द वैल्यूज दैट नीड टू बी इनकल्केटेड इन द प्यूपिल्स यानी कि ऐसे मूल्यों की पहचान करना जिन्हें विद्यार्थियों में विकसित करने की आवश्यकता है.
ओके सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे भी बेसिकली प्यूपिल है, सो ये भी बेसिकली एजुकेशन रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट है, सो ये भी आपका आंसर आ सकता है. ओके सो सोचो इन तीनों भी ऑप्शंस में से कौन सा एजुकेशनल रिसर्च का एम हो सकता है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो आंसर टू आना चाहिए, बिकॉज अगर आप एजुकेशन प्रोसेस में यानी कि पूरे एजुकेशन प्रोसेस में अगर आप जो जितने भी सारे नए फैक्ट्स है एंड जितने भी सारे नए प्रिंसिपल्स है उनको सर्च करने करके मतलब करने की कोशिश करोगे देन ऑब्वियसली आप एजुकेशन में एम्स जितने हैं उसको भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे विद इन दिस एम. ओके एंड एज वेल विद्यार्थियों को अगर हमें विकसित करना है देन हमें किस मूल्यों की पहचान करनी चाहिए. ओके ये भी ऑप्शन इसमें ही आएगा. ओके मतलब ये दोनों भी जो पर्पजेस है ये दोनों भी पर्पजेस हम लोग एक ही दिस पर्पज पे हासिल कर सकते हैं. ओके एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज सेकेंड. ओके ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज टू दैट इज सर्चिंग फॉर द न्यू फैक्ट्स एंड principles underlying the process of education. Okay? Which sequence of research steps is logical in the list given below? देखो यहाँ पे आपको four options provide किए हैं and each and every option आपको research steps का sequence दिया है. So इनमें से हमें एक सही option ऐसा choose करना है जिसमें हमें logical, correct research steps के sequences दिए हैं. ओके सो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज रिलेवेंट टू कि हम लोग कितने सारे स्टेप्स से जाते हैं जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं. सो लेट अस सी हियर वन बाय वन ऑप्शन. पहले ऑप्शन में है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एनालिसिस देन डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन देन हाइपोथिसिस मेकिंग कलेक्शन ऑफ डेटा अराइविंग एट जनरलाइजेशंस एंड कंक्लूजन्स डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन हाइपोथिसिस मेकिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन डेटा एनालिसिस अराइविंग एट कंक्लूजन्स एंड डेटा कलेक्शन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हाइपोथिसिस मेकिंग डेवलपमेंट ऑफ अ रिसर्च डिजाइन देन कलेक्शन ऑफ डेटा एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशंस एंड कंक्लूजन्स प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन डिसाइडिंग अबाउट द सैम्पल एंड डेटा कलेक्शन टूल्स फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथिसिस कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च एविडेंस. सो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने इसी लेक्चर में आप सभी के साथ डिस्कस किया कि सबसे पहले हमें रिसर्च प्रॉब्लम की ज़रूरत पड़ती है एंड दैट्स वाई योर फर्स्ट जो आपका स्टेप है वो यही होना चाहिए कि सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको फॉर्म्यूलेट करना है. ओके दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप एंड इनमें से सेकेंड ऑप्शन में यू नो ये स्टेप पहले नहीं है सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. सो बाकी के तीनों भी ऑप्शंस में ये पहली स्टेप है यानी कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. सो अगेन आपको आगे सोचना है व्हाट शुड बी योर सेकेंड स्टेप. सो आपकी सेकेंड स्टेप ये होनी चाहिए कि हाइपोथिसिस को बनाना यानी कि प्रेडिक्शन करना कि येस व्हाट शुड बी द आंसर और सोल्यूशन ऑफ द रिसर्च स्टडी. सो योर सेकेंड ऑप्शन शुड बी हाइपोथिसिस मेकिंग. ओके हाइपोथिसिस मेकिंग. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन में एनालिसिस है दूसरा ऑप्शन सो ये गलत है. फोर्थ ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन है डिसाइडिंग अबाउट द सैंपल एंड डेटा कलेक्शन टूल्स ये भी गलत है सो ये भी एलिमिनेट हो गया. एंड थर्ड ऑप्शन में देखो हाइपोथिसिस मेकिंग सेकेंड ऑप्शन है. ओके मतलब सेकेंड स्टेप है सो ये आपका सही आंसर होना चाहिए. सो बाद में अगर आप सब्सिक्वेंटली नहीं सोचोगे देन फिर भी आपका आंसर ये सही आएगा बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि आपका जो थर्ड स्टेप है वो होगा रिसर्च डिजाइन को डेवलप करना यानी कि जो पूरा आउटलाइन है पूरे रिसर्च प्रोसेस का उसको देखना कि आप किस डिजाइन से आप बेसिकली आप रिसर्च करोगे. ओके देन आफ्टर दैट आपको डेटा को कलेक्ट करना है कलेक्ट द डेटा देन आफ्टर दैट आपको डेटा को क्या करना है एनालाइज करना है सो एनालाइज द डेटा देन जनरलाइजेशंस को फॉर्मुलेट करना है यानी कि सामान्यीकरण करना है आपको विच शुड बी योर सिक्स्थ स्टेप एंड योर लास्ट स्टेप शुड बी कंक्लूजन. सो सबसे नीचे आपका कंक्लूजन आएगा सो दिस इज योर लॉजिकल स्टेप. ओके दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थ्री दैट इज दिस वन. ओके
व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन? देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो हमने अभी देखा. व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? सो पहला ऑप्शन है अ वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थियरी. ओके, द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स, द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग्स, एग्जाम्पल अ ग्राफ, अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड अनालिसिस ऑफ डेटा. सो स्टूडेंट्स, रिसर्च डिजाइन ये एक फ्रेमवर्क होता है, और यू कैन से इट इज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द रिसर्च. एंड एज वेल आप ये भी बोल सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर आउटलाइन होता है. आप सभी को पता है वॉट इज आउटलाइन. ओके, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 4, दैट इज दिस वन. अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड अनालिसिस ऑफ डेटा. सो इसका मतलब है कि ईच एंड एवरी जो स्टेज होती है आपकी, कि जहाँ से आप सभी लोग डेटा को कलेक्ट करते हो एंड एज वेल आप डेटा को एनालाइज करते हो, सो उसका पूरा जो आउटलाइन होता है कि आप ईच एंड एवरी स्टेज में क्या करोगे, सो दैट इज नथिंग बट योर रिसर्च डिजाइन. एंड दैट्स वाई रिसर्च डिजाइन में ये दो सेक्शंस आते ही है, यानी कि डेटा को कलेक्ट करना एंड डेटा को एनालाइज करना. एंड उसमें कितने सारे मेथड्स आप यूज कर रहे हो, उसमें कितने सारे स्टेजेस आप यूज कर रहे हो. ओके, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 4. अ मैच्योर रिसर्चर इज, देखो मैच्योर रिसर्चर के पास इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, वुज हाइपोथिसिस एंड थीसिस आर आइडेंटिकल, मतलब इसके हाइपोथिसिस भी एंड थीसिस भी दोनों भी आइडेंटिकल यानी कि सिमिलर होने चाहिए. वो मेंटेन्स क्रिटिकल गैप बिटवीन हाइपोथिसिस एंड थीसिस, जो हाइपोथिसिस एंड थीसिस इन दोनों के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट गैप मेंटेन कर रहा है. वो हैज़ एन ओपन माइंड अबाउट द रिजल्ट्स, जिसके पास रिजल्ट्स के लिए खुला दिमाग है. Whose hypothesis is very often rejected, मतलब जिसका hypothesis हमेशा reject होता है. So obviously students, now you will be understand that कि कोई भी researcher हो and अगर वो mature researcher हो, then obviously वो किसी भी चीज़ के लिए खुले दिमाग से सोचता है, मतलब whether it is hypothesis हो, whether वो research design हो, वेदर वो रिसर्च के रिजल्ट्स हो, किसी भी चीज हो. एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 3, दैट इज दिस वन. वो हैज एन ओपन माइंड अबाउट द रिजल्ट्स, बिकॉज देखो किसी भी रिसर्चर का अगर हाइपोथिसिस एंड थीसिस ये दोनों भी चीजें अगर आइडेंटिकल है, देन ऑब्वियसली उसे प्लैजियरिज्म कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड एज द प्लैजियरिज्म, यानी कि कॉपी पेस्ट करना. सो दिस इज एक्चुअली यू नो रिसर्च एथिक्स के ये चीज बाहर होती है. ओके, एंड दैट्स वाई ये तो एलिमिनेट हो गया. एंड एज वेल हाइपोथिसिस एंड थीसिस के बीच में इतनी भी क्रिटिकल गैप नहीं होनी चाहिए. बेसिकली आपका थीसिस एंड हाइपोथिसिस ये एक्चुअली एक दूसरे के साथ रिलेवेंट होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल. ओके, सो ये भी एलिमिनेट हो गया. एंड एज वेल किसी भी मैच्योर रिसर्चर का अगर हाइपोथिसिस हमेशा रिजेक्ट होता है, देन ऑब्वियसली उसे कभी भी जो सही रिजल्ट्स है वो मिलते नहीं है. एंड दैट्स वाई ये रिसर्चर तो मैच्योर हो ही नहीं सकता. सो ये भी एलिमिनेट हो गया. ओके, नेक्स्ट इज रिसर्च रेफर्स टू डैश. सो रिसर्च क्या है? ओके, वेदर ये रूटीन एक्टिविटी है, मतलब जो हम लोग नियमित बने एवरीडे जो एक्टिविटी करते हैं वो, या फिर एनुअल एक्टिविटी है यानी कि साल में एक बार करते हैं, ओकेशनल यानी कि कभी कभी करते हैं, या फिर फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. ऑब्वियसली रिसर्च ये एक फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी है, बिकॉज हमें हमारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन चाहिए. एंड ये हमने आज ही के सेशन में देखा कि द मेन पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू कंस्ट्रक्ट रियालिटी, यानी कि टू कंस्ट्रक्ट द फैक्ट, यानी कि फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी. सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज 4 ओवर हियर. नाउ नेक्स्ट इज यू हैव बीन इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन अ रिसर्च स्टडी एंड हैव बीन गिवन एन इंफॉर्मेशन शीट अबाउट द स्टडी. ओके, आपको इन्वाइट किया है रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको स्टडी के बारे में एक इंफॉर्मेशन शीट प्रोवाइड की है. सो उस इंफॉर्मेशन शीट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? ओके, ऐसा आपको इस क्वेश्चन में पूछा है. देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन यू एक्सपेक्ट टू बी इंक्लूडेड इन द इंफॉर्मेशन शीट.
सो ऑप्शंस देखो, ब्रीफ समरी ऑफ लिटरेचर यानी कि लिटरेचर की ब्रीफ समरी, फोकस ऑफ रिसर्च एंड हाउ रिसर्च विल अफेक्ट यू। ओके, मतलब रिसर्च पे फोकस किया है इस इंफॉर्मेशन शीट में एंड वो रिसर्च आपको कैसे अफेक्ट करेगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। व्हाट द रिसर्च इज अबाउट, रिसर्च किसके बारे में है, देन रिसर्च के बेनिफिट्स एंड रिस्क्स क्या है, देन आपकी प्राइवेसी यहाँ पे कैसी रिस्पेक्ट होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अ ब्रीफ समरी ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, हाउ फाइंडिंग्स विल बी डिसेमिनेटेड एंड मतलब फाइंडिंग्स आप कैसे प्रसारित करोगे, एंड अ प्लेस टू साइन कंसेंट, मतलब वहाँ पे यू नो कंसेंट को साइन करने के लिए जगह भी है। व्हाट द रिसर्च इज अबाउट, बेनिफिट्स ऑफ द रिसर्च एंड हाउ फाइंडिंग्स विल बी डिसेमिनेटेड। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर शुड बी 4, बिकॉज वो रिसर्च आपको कैसे अफेक्ट करेगा ये इन्फॉर्मेशन इस शीट में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको किसके लिए बुलाया है, रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया है। सो अगर उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि रिसर्च आपको कैसे अफेक्ट करेगा, देन ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन देखने के बाद कोई भी इंसान रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए हेजिटेंट होगा। ओके, वो हेजिटेट करेगा। सो ये एलिमिनेट हो गया। एंड एज वेल आपकी प्रिवेसी कैसे रिस्पेक्ट की जाएगी इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स ओनली द इंफॉर्मेशन शीट एंड उसमें सिर्फ रिसर्च स्टडी के बारे में ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉट कि आपकी प्रिवेसी कैसी रिस्पेक्ट होगी। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड एज वेल वहाँ पे कोई भी कंसेंट साइन करने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कभी भी इंफॉर्मेशन शीट पढ़ने के बाद एक दूसरा पेपर होता है और दूसरा पेज होता है जिसमें यू नो कंसेंट को साइन करने के लिए जगह होती है, इंफॉर्मेशन शीट में नहीं होती है। ओके, सो ये भी एलिमिनेट हो गया एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर शुड बी 4। सो उस इन्फॉर्मेशन शीट में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि रिसर्च एग्जैक्टली किसके बारे में है, रिसर्च के बेनिफिट्स क्या है एंड रिसर्च के जितने भी सारे आउटकम्स मिलेंगे वो आउटकम्स कैसे प्रसारित किए जाएंगे। ओके, दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी देयर इनिशियली इन द इन्फॉर्मेशन शीट। ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि रिसर्च एग्जैक्टली क्या है, रिसर्च का सिग्निफिकेंस क्या है, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके।